दोस्तों यहाँ पर मेरा बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते में बन रहे हैं आज मुंगौड़े, मूंग दाल के मुंगौड़े और चाय, और साथ में है टमाटर की हरी चटनी। तो सुबह सुबह अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं ना, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो आज पहली बार ही बन रहे हैं मुंगौड़े, मतलब इस सीज़न के मुंगौड़े आज पहली बार ही बन रहे हैं। तो धनिया वगैरह सब अच्छे से डाल के जब बनाओ ना तो अच्छे लगते हैं, तो आज वही बन रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं, बस थोड़ी सी तबीयत आज थोड़ी सी गड़बड़ है, पता नहीं क्यों। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो दोस्तों सुबह आज मैंने बनाए थे मुंगौड़े, तो वही नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद सुनील बच्चों को छोड़ने गए, छोड़ने के बाद फिर तासु का कुछ सामान लाना था तो वो लेने गए, तो वो सब करके आके, और अब मैंने भी घर के बाकी जो काम थे छोटे मोटे वो किए, और अब चल रहे हैं हम किचन की ओर, क्योंकि मुझे लंच बनाना है। लंच का टाइम हो गया है, तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, चावल रोटी। तो दोस्तों चलते हैं किचन की ओर। और यहाँ पर सुनील गए थे बच्चों का सामान लेने, क्योंकि दिवाली आ गई है ना, तो बच्चों की फरमाइश शुरू हो जाती हैं। तो वही तासु की फरमाइश थी, पापा पटाखे लाना, क्या वो ये नहीं बोल रहा था कि लेके आ जाना आप, वो तो सोच रहा था कि पापा मुझे लेके चलो, बट उसका स्कूल था तो इसलिए ये था। और वैसे भी बच्चों को ले जाना सही नहीं होता है, तो ये सारे आ गए उनके पटाखे जो भी चाहिए थे, तो सुनील लेके आ गए हैं। तो अब इनको रख देते हैं, क्योंकि अभी तो स्कूल गए हैं, फिर स्कूल से आने के बाद उनका रिएक्शन देखेंगे क्या रहता है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो ये दोस्तों आज बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो चूँकि अभी गोभी शुरुआत की है ना, तो जब भी शुरुआत की गोभी हम बनाते हैं तो थोड़ा पानी में मतलब बॉयल कर लेते हैं, इसके बाद ही बनाते हैं, क्योंकि केमिकल वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, और कई बार एक आध कीड़े वीड़े अगर अंदर होते हैं तो वो भी सारे निकल जाते हैं। तो सब्जियाँ धुल के मैंने सब रख दी हुई थी, और उधर मैं गोभी को बॉयल कर लूँगी, उसको जला दूँगी, तो मतलब हल्का बॉयल कर लो तो अच्छा हो जाता है। और ये मेथी लाए थे तो उसे इसको मैंने धुल के रखी हुई है, अब देखते हैं इसका क्या करते हैं, क्या बनाते हैं मेथी का, क्योंकि अभी तो मैं आलू गोभी बना रही हूँ, तो अभी इसको नहीं बनाऊँगी, इसको बाद में देखेंगे। और ये सुनील के ऑफिस का गिफ्ट मिला हुआ था, तो तासु ने जैसे देखा तो उसने बोला मम्मी मैं व्हाइट वाले रसगुल्ले खोल लूँ, तो खोल के गया सुबह खा के। तो यहाँ पर एक तरफ तो मेरी गोभी बॉयल हो रही है अभी, और तब तक मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ, आलू टमाटर प्याज वगैरह। एक दो बार उसको पलट दो ना गोभी को, तो जैसे ऊपर नीचे हो जाती है अच्छे से, तो सारा केमिकल वगैरह जो भी होता है, क्योंकि दवाएं तो पड़ती ही हैं, और सब कोई चीज़ सीजन से पहले तैयार करनी होती है, तब और ज़्यादा इन सब चीज़ों का पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। तो इस वजह से जब भी बनाते हैं तो मतलब शुरुआत में, अभी जब खूब सर्दी पड़ने लगती है, ज़्यादा आने लगती है, तब फिर नहीं बॉयल करते, पर अभी स्टार्टिंग में जब भी बनाएंगे तब कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर अब मैं काट ले रही हूँ प्याज, तो प्याज टमाटर आलू तब तक मैं काट लेती हूँ। और जब भी गोभी बनाते हैं ना दोस्तों, तो हम इसमें पीस के मसाला नहीं, मतलब प्याज और जो टमाटर होते हैं ना पीसते नहीं हैं, उनको ऐसे ही खड़ा डाल के पका के बनाते हैं। तो अच्छी लगती है गोभी, और गोभी अभी शुरुआत में ही अच्छी लगेगी, इसके बाद फिर कम अच्छी लगने लगती है। वैसे भी जब कोई चीज़ स्टार्टिंग की होती है ना, तो जो टेस्ट स्टार्टिंग में मिलता है ना खाने का, वो बाद में नहीं मिलता। जैसे मटर गाजर आएगी ना, तो जो शुरुआत में आती है ना उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो अब मैंने गैस बंद कर दी है, और थोड़ी देर ढक के ऐसे रखे रहेंगे, जिससे कि वो हो जाएगी आराम से, मतलब पक जाएगी। और यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर काट लिए, आलू भी काट लिए, और गोभी को मैंने निकाल लिए, ये देखो। तो गोभी
येलो येलो होती है ना हल्की, अब देखो एकदम वाइट हो गई। और ये पानी देखो, वैसे तो कुछ ख़राब नहीं था, अच्छी थी, ज़्यादा पानी में भी कुछ ऐसा नहीं है, कीड़े वगैरह भाई कुछ नहीं निकले हैं, अच्छी है। पर जो केमिकल वगैरह रहा होगा वो तो निकल ही गया होगा। तो और इसमें अभी अदरक और लहसुन है, तो मैं इसको ऐसे ही कूट लूँगी अच्छे से खड़े हो, और फिर इसको। तो दोस्तों मैंने अपनी सब्जी छौंक दी, सब्जी छौंक दी है, तो एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, एक तरफ सब्जी पक रही है। इसके बाद फिर मैं आटा गूंद के, बस रोटी सेकनी रह गई दोस्तों। और किस किसने अपने घर की दीपावली की सफाई कर ली, शायद सब लोगों ने कर ली होगी दोस्तों, कल हमने भी करी। तो बहुत सारा मतलब कूड़ा क्या निकला, सामान ऐसा होता है ना कि जब हम उसको रख लेते हैं ना, हमें लगता है कि यार शायद काम आ जाए, इसको रख लो, ये काम का है, वो काम का, हर चीज ऐसी लगती है ना कि काम की है, तो ये रख लो, वो रख लो, और हो सकता है पूरे साल वैसे ही रखा रहता है, उसका काम ही नहीं कभी पड़ता। तो पिछले साल ऐसे बहुत सा सामान जो मतलब फालतू था उसको फेंक दिया, जो ऐसे लगता है ना थोड़ा काम का है उसको हमने रखा था, और वो अभी भी वैसे ही सुरक्षित रखा था, उसका कहीं काम नहीं पड़ा। तो इस बार ये था ना, मैंने कहा कुछ भी नहीं रखना, जो अगर ज़रूरत का नहीं है तो इसको सारा निकाल दो, क्योंकि फिर वो पूरे साल रखा रह जाता है और उसका यूज़ नहीं होता। तो इस बार हमने ये गलती नहीं करी कि नहीं शायद काम आ जाए, शायद वो शायद के चक्कर में कभी काम ही नहीं आता और फालतू में जगह घेरे रहता है। तो दोस्तों इसलिए सारी कल सफाई करी, और बच्चे हम सुनील सब लगे रहे, और सबके अपने अपने काम बटे थे। मेरा काम था किचन की सफाई करना, सुनील की बाहर गेट वगैरह जितने थे सारे, वो बालकनी सुनील ने करी, और घर की चलमारी कबाड़ वो सारा था बच्चों ने साफ किया, क्योंकि बच्चों का सामान ज्यादा होता है, तो उनका कॉपी किताबें बुक्स कुछ चीजें यूज की होती है, कुछ नहीं। तो ये था कि जो अगर आपको लगे कि हमें यूज कराए रखो, और ना लगे तो मत रखो, पर इकट्ठा मत करना। और बहुत से सामान ऐसा होता है ना कि यूज़ करते रहते हैं, फैला देते हैं, तो फैला पड़ा था, तो घर बिखरा लगता है। और अभी मेरा घर पूरा खाली, मतलब जहाँ देखो मतलब खाली खाली, हर चीज़ अलमारी नहीं, वैसे लगता था कौन सी चीज़ कहाँ रखे, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो और दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बालकनी, तो ये देखो दोस्तों मेरी बालकनी पूरी साफ हो गई, और इसको ना खाली कर दिया, और यहाँ पे ना कूलर रखा रहता था ना यहाँ पे, तो ये रख हटा दिया, और यहाँ पे ये पूरी अलमारी पूरी बंद कर दी, इसको पूरा बंद कर दिया, और स्पेस भी दिखने लगा उसकी वजह से बहुत। अच्छा इसी में रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सफाई भी हम इसी त्योहार में करते हैं, और सफाई करते हैं तो उसका फायदा भी होता है। ये तो मेरा भी इस टाइम पूरा घर खाली है बिल्कुल। और दोस्तों और सुनील गए हैं बच्चों को लेने स्कूल, तो बच्चे अभी आ रहे होंगे स्कूल से, तब तक मेरा खाना रेडी हो जाता है, फिर हम लोग लंच करेंगे। तो चलती हूँ मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटा गूंद के फिर बाकी काम और कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर छौंक दे रही हूँ सब्जी, तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है भगोने में चावल, और एक तरफ अब मैं कुकर में सब्जी छौंक देती हूँ, तो दोनों चीज़ें पक जाएंगी। बस सब्जी चावल पक गया तो फिर रोटी बनाने में टाइम नहीं लगता है बिल्कुल, क्योंकि आटा गूंद के रख दो बस तुरंत बन जाता है। यहाँ पे मैंने धनिया भी साफ़ कर ली, जब तक मेरा प्याज टमाटर पक रहा है कुकर में, तब तक मैंने धनिया साफ़ करके धुल के रख दी। क्योंकि अभी की जो धनिया भी आती है ना, तो उसका भी टेस्ट अलग होता है, और धनिया सब्जी में जितना अच्छे से पड़ी होती है उतना अच्छा लगता है। तो ये दोस्तों मैंने देखो सब्जी छौंक दी है, अब इसमें पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, तो पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी, क्योंकि चावल के साथ जूस होना, जब सब्ज़ी में जूस होता है ना तभी खाने में अच्छी लगती है।
अगर केवल रोटी के साथ या पराठे के साथ खानी हो तो आप सूखी सूखी ऐसे बना सकते हो। आप इसको ऐसे ही ढक दो, आपकी बिल्कुल सिम पे एक सीटी मार दो, आपकी सब्ज़ी बन जाएगी। लेकिन हमें चावल खाना होता है तो, क्योंकि लंच में दोपहर में चावल ज़रूर बनता है, बिना चावल के तो खाना मतलब पेट नहीं भरता, आप ये समझ लो। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे, और थोड़ा सा, क्योंकि पानी डालेंगे तो आलू भी पानी एब्जॉर्ब करती है, गोभी भी थोड़ा एब्जॉर्ब करती है, पानी ज़्यादा आलू करती है, उसकी वजह से फिर आज तुम्हारा मन तो लगा नहीं होगा स्कूल में। नहीं लगा ना। भगवान वाला गैस बंद करना। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो तासु और तानी की खुशी का ठिकाना आने के साथ ही सबसे पहला काम, और पापा को लव यू, क्योंकि पापा ने आज मन की बात पूरी कर दी ना। उनके जो क्रैकर्स उसने मंगवाए थे वो भी आ गए, जो नहीं मंगवाए थे वो भी आ गए इस वजह से। वैसे तो खैर वो पापा को बहुत प्यार करता है, मतलब प्यार मम्मी को भी करता है, पर वो पापा मम्मी का दोनों का विशेष ध्यान रखता है। पापा की हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान वो भी रखता है, तो पापा ने भी उसका ध्यान रखा आज। और अब आज का उनका पूरा दिन का काम है। और ये क्या क्या है वो सारे मुझे दिखा रहा है, बता रहा है मम्मी ये क्या है, फुलझड़ी है, ये चक्री है, और ये अनार, रॉकेट, और ये मुर्गा छाप, पटाखे भी आते हैं। कलर तो आते थे पर जैसे हम लोगों के समय में सीखो पटाखे आते थे ना, वैसे इसमें मुर्गा छाप में आते हैं। तो आज पापा पे बहुत प्यार आ रहा है। और दोस्तों बचपन यही होता है ना, बचपन में जो खुशी होती है ना, इन चीज़ों की पूछो मत। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे खुशियाँ गायब होती जाती हैं लगता है। और बचपन में तो हर छोटी चीज़ खुशी देती है, त्यौहार दीपावली का है मतलब, बच्चों से पूछो उनको कितनी खुशी हो रही है, पटाखे फोड़ेंगे, लाइट्स लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा। और त्यौहार तो बचपन में ही समझ लो होते हैं, बचपन की उम्र के ही होते हैं। तो अब चाकू लेके आए हैं क्योंकि उनको खोल के देखेंगे अंदर कैसे है क्या है। कपड़े चेंज करने का भी उनको अभी ध्यान नहीं कि कपड़े चेंज कर लें। और ये रॉकेट हैं तो लग रहा था एक पैकेट है, बट उसमें पन्नी में रैप थे तो ऐसे लग रहा था जैसे एक पैकेट है, बट उसमें दो पैकेट हैं। तो और एक पैकेट में 10 हैं शायद। तो अब से लेके अब दीपावली तक उनको
मतलब बिजी हो गए, उनको आराम से कुछ ना कुछ बना ही रहेगा बच्चों का आराम से, और खेलते रहेंगे। यहाँ पर तानी तुमने तो कपड़े फ्रेंड्स, चेंज कर तासु लिए, का अपने खजाना बच्चों के मिल लिए गया कुछ है। नहीं तासु को खरीदना। अब कुछ नहीं चाहिए, उनका सारा कुछ हो गया। अब दीपावली तक इन्हीं में बिजी रहेंगे, उन्हीं को दिन भर में 10 बार खोलना, देखना, छुटाना, बस खुद देखना, अपने फ्रेंड्स को दिखाना, तो ये सारा इनका बना रहेगा। चलो, तासु की शॉपिंग तो हो गई पूरी, हमारी रह गई अपनी। अरे हमारी क्या, हमारी अरे आज वो होली होली वो बना दी थी रंगोली, उसमें पूरा लंच पीरियड चला। तो तुम टिफिन अपना नहीं खत्म कर पाती हो क्या? अरे पूरा लंच पीरियड ही खत्म हो गया था आज, उसके बाद आज आलू भी बम है। ये आलू बम क्या होता है? आलू बम सुतली बम, सुतली का थोड़ा सा बस छोटा आलू। हाँ छोटा आलू। ये कितने पीस है? 10? हाँ 10 है। और ये थोड़ा सा फ्राइड राइस रखा था, तो तानी आके अपना खाने लगी, और उसने कपड़े भी चेंज कर लिए, अपना लंच बॉक्स भी निकाल दिया। बट ये कि तासु अपना और आते के साथ ही स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वही सारा बताने में लगी हैं तानी, और तासु तो आज अपना अपने पटाखों में अभी भी बिजी हैं और बिजी रहेंगे आज, अब वो दीपावली तक के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी किचन पे मेरा चावल पक गया है, सब्जी पक रही है अभी, और मैं आटा गूंद लेती हूँ, बस रोटियाँ बनानी हैं। और ये दोस्तों आंवला लेके आए थे मार्केट से, तो रखे हैं लेकिन इस बार के लेके आए ना तो बहुत अच्छे आंवला हैं, मतलब जो बाकटपन ज़्यादा होता है ना वो नहीं है, एकदम खाने में अच्छे लगते हैं। तो तानी बहुत खाती है मेरी, तो उसकी वजह से लाए थे, कच्चे काट लेती है कटोरी में और नमक ले लेगी, खाती रहती है, और उसको देख के फिर मेरा भी कई बार मन करता है खाने का, और दिन में उसको जब मन करेगा तब खाने लगती है, तो इसलिए ले आए थे। और दोस्तों अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में मैं सब्जी चावल तो बन ही गया था, रोटियां रह गई तो मैं अब रोटियां बना लेती हूँ फटाफट। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं दोस्तों, अब मैं इनको कैसरोल में रख देती हूँ तो गरम बनी रहेंगी। और बना के तुरंत नहीं रखते, नहीं फिर कैसरोल में ना बहुत सा भाप बन जाती है तो पानी सा हो जाता है, तो फिर अगर बाद में रोटियाँ रखो तो रोटियाँ गीली हो जाती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती खाने में, फूल सी जाती हैं, तो बनाते समय पेपर में डाल लेते हैं फिर इसके बाद अपना बाद में रख देते हैं, तो कैसरोल में भाप नहीं बनती है, सबसे अच्छी बात ये होती है। और ये देखो दोस्तों मेरी सब्जी पक गई है और अच्छी दिख रही है। अब मैं इसमें काट देती हूँ धनिया, और धनिया इस टाइम टेस्ट भी बढ़ाती है और मतलब सब्जी की सुंदरता भी बढ़ाती है, दोनों चीज़ें हैं, तो देखने में भी अच्छी लगती है। तो ये दोस्तों अब इसको धनिया काट दिया, मिक्स कर दी, और इसको बस थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तो धनिया अच्छे से तो 2 मिनट के लिए इसको हम ढक दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारा लंच हो चुका है रेडी, और हम लोग भी सारे लोग रेडी हैं अब लंच करने के लिए। तो
आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ आलू गोभी की सब्जी चावल रोटी खाने, जिसे जिसे पसंद हो गोभी। वैसे तो गोभी ज़्यादातर सबको पसंद होती है, बच्चे भले ना खाएं। तो चलते हैं लंच करने, फिर लंच करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, थोड़ी में कितने बज गए, 3:30 हो रहा है, क्योंकि 3 बज जाता बच्चों के स्कूल से आते आते तो 3:30-4:15 हो ही जाता है। तो अब लोग हम लोग मतलब लंच करते हैं दोस्तों। लंच का टाइम तो अभी 2-4 घंटे बाद डिनर का टाइम हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्कूल और सर्दियों में दिन इतने छोटे होने लगे कि इसकी वजह से और अंधेरा समझ आने लगता है, मतलब पता ही नहीं चलता है। बाहर देखो तो ऐसे लगता शाम हो गई है अभी, पर चल रहे हैं। तो दोस्तों लंच वगैरह करने के बाद अब आजकल ना 3-4 बजे तो एकदम शाम जैसी हो जाती है, तो वही बालकनी पे बाहर खड़े हो जाओ ना तो अच्छा लगता है थोड़ा देखने में कौन क्या कर रहा है। तो वही बालकनी में खड़े थे और टहल रहे थे, था देखते हैं गमलों में ही पेड़ों को, देखो किस में नई कली निकली, किस में नई पत्ते निकले, किस में नई डाल निकली। और थोड़ा कूलर हटने की वजह से थोड़ा स्पेस भी हो गया है तो और अच्छी लगती है, आप चेयर वगैरह भी डाल के बैठ सकते हो। और शाम के टाइम तो बाहर वैसे भी अच्छा लगता है, चहल पहल हो जाती है, लोग अपना सब बिजी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो तासु कह रहे मम्मी मैं आपको अपने क्रैकर्स जला के दिखाता हूँ, तो ये चटर पटर वाले हैं, तो इसे छोटे छोटे हैं, तो इनको आप घर में क्या बालकनी में जला सकते हो, बस थोड़ा सा आवाज़ होती है, ज़्यादा नहीं होती। और ये देखो दोस्तों कबूतर का जोड़ा, ये पहले मेरी बालकनी में रहते थे ना, तो अभी भी वो रहते वहीं पे आसपास नीचे ही, बट जब से नेट लग गया तब से नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत गंदा करते थे बालकनी बीट करके। सुनील तैयार हो गए जाने के लिए, और ये तासु ने सुबह जो खोला था ना गिफ्ट का डिब्बा, ते वाइट वाले रसगुल्ले छेना रखे थे, सबने खा लिए थे, सुनील ने नहीं खाए, तो तासु बोला पापा खा लीजिए। तो उसमें उन्हीं के मतलब उन्हीं का हिस्सा बचा हुआ एक दो पीस, तो वही था, तो तासु ने पूरे डिब्बा ही दे दिया कि पापा इसी में आप खा लो, क्योंकि सब लोग खा चुके हैं। और अब दीपावली तक बच्चों के पास काम ही काम रहेगा, गिफ्ट देखने का, संभालने का, दिन में कई बार गिफ्ट देखेंगे, कई बार अपने पटाखे देखेंगे, बस यही रहता ना। तो तासु लेके बैठे हैं गिफ्ट कि क्या क्या है, और आजकल तो खैर ड्राई चीज़ें मिलती है ना तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि आजकल का किस टाइम का कुछ खाने लायक भी नहीं रहता वैसा। तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब